यहाँ पे TCL का हमारे पास टीवी आया हुआ है नो इंडिकेटर में। क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नो इंडिकेटर में पावर स्विच दबाते हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रही है। तो सभी वोल्टेजेस चेक करते हैं पहले। हम पहला वोल्टेज हम चेक करेंगे 12 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट ओके है। ये सप्लाई भी नहीं बन रही, आप देख सकते हैं यहाँ 3.3 वोल्ट बन रहा है, 1 वोल्ट बन रहा है, 1 वोल्ट है नहीं बन रहा है, ये 1.5 वोल्ट है नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ ये सप्लाई भी नहीं बन रही। सो अभी हम EMMC IC को बाहर निकाल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं EMMC IC हमने निकाल रखी, ये है HK हाइनेक्स कंपनी की, पास में से दिखा दो, प्रोग्रामर पे लगा दी, चेक कर लेते हैं इस IC को। आइडेंटिफाई EMMC करने पर यहाँ पर IC डिटेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये IC डिटेक्ट नहीं होती और एक एरर के साथ ये बताता है कि ये IC खराब है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसकी रिबॉलिंग सब कुछ हम करके देख चुके हैं, कंप्लीट रिबॉलिंग के बावजूद ये IC डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। तो अभी हम सैमसंग की IC यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्रोग्रामर एडेप्टर में हमने अब सैमसंग की IC डाली है, आइडेंटिफाई EMMC करते हैं तो यहाँ पर ये IC डिटेक्ट हो जाती है। इस बोर्ड में लगी हुई ओरिजिनल IC HK हाइनेक्स की थी, जो कि 8 GB की थी, हमने सैमसंग की लगाई, वो भी 7.28 GB की है। IC को नई जैसी बनाने के लिए हम RPM भी टोटली क्लीन करेंगे। स्पेशल टास्क में ये फंक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोविनेंट EMMC फुल रिसेट हो रहा है। इसमें RPM भी और सारे जो डेटा है ये ओरिजिनल जो कंपनी स्टेटस में आ जाएंगे और ये नई CID भी राइट हो जाती है कई बार। इसमें हम चेक कर लेंगे इसमें CID सेम है या चेंज होती है। इसे रिसेट करने के बाद हम इसमें ओके डेटा भरकर IC बोर्ड पर लगा के चेक करेंगे। सैमसंग की EMMC IC जिसे अभी हमने रिप्रोग्राम किया था और क्लीन करके लगाया था, इसे हम बोर्ड पे फिक्स कर लेते हैं और चेक करते हैं ये बोर्ड ऑन हो जाना चाहिए इसके बाद। हमने आप देख सकते हैं प्रोग्राम करके सैमसंग की IC यूज़ की है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी SCC लिखा हुआ है, ठीक है, 8 GB की IC है, 8G 1 GB डेटा वाली। ये मैंने ऑन किया, इंडिकेटर लाइट आ गई है, पहले नो इंडिकेटर था, ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। अब हम बाकी की सप्लाई चेक कर लेते हैं जो हमारी नहीं बन रही थी। इस पर 5 वोल्ट जो नहीं आ रहे थे वो बन चुके हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट नहीं आ रहे थे बन चुके हैं, 1.5 वोल्ट जो रैम सप्लाई नहीं बन रही थी बन चुके हैं, बाकी सभी सप्लाई यहाँ बन रही थी 3.3, ये सप्लाई नहीं बन रही थी 3.3 वोल्ट EMMC, ये भी बन चुकी है 1.8 वोल्ट EMMC की बन चुकी है, 12 वोल्ट बन चुके हैं। अभी हम बोर्ड को फिट करके देख लेते हैं। ऑन हो गया है और बैकलाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और TCL लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर